रिकॉर्डिंग चालू करने में मगजमारी हो जाए यार, गलती से बंद भी कर दिया। 1 मिनट, मैंने तो दिया है कि यार क्या चालू वापस किया तू? हाँ कर हाँ दिया चलो सर, ओके कर ओके। दिया। या अभी लॉसेस आर ऑफ टू टाइप्स, नॉर्मल लॉस एंड अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस म्हणजे नॉर्मल सर्कमस्टेंस में होते रहता है। ओके कोई मगजमारी नहीं, होता ही है, नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड लॉस को कहा जाता है अबनॉर्मल लॉस। अनएक्सपेक्टेड लॉस को कहा जाता है अबनॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस के और भी कई नाम है। इवेपोरेशन लॉस भी बोला जाता है, इवेपोरेशन लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस, वॉल्यूम लॉस, वॉल्यूम लॉस, ये सब इसके नाम है। इवेपोरेशन लॉस, वेट लॉस, वॉल्यूम लॉस। इवेपोरेशन लॉस मतलब आपको स्पिरिट्स भेज रहे हो, इवेपोरेट हो गई थोड़ी बहुत हवा में। ओके अमॉर्फ टाइप, अमॉर्फ वो बोलते हैं ना, अमॉर्फ भी क्या है प्रोसेस, आई डोंट नो, सीधा एयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेट लॉस होता है, कोई ऐसा गुड्स बेच रहे हो जिसका वेट कम हो जाता है, कोई लिक्विड ऐसा प्रोडक्ट है जिसका वेट लॉस हो जाता है ट्रांसपोर्ट करते वक्त, या कोई वॉल्यूम लॉस हो जाता है किसी चीज में। दीज आर नॉर्मल लॉसेस। ओके कोई टूटने फूटने वाला आइटम है, ब्रिटल आइटम, ग्लास वगैरह आप बेच रहे हो तो पता है यार 2-3% क्रॉकरी कटलरी टूट फूटने वाला है ट्रांसपोर्ट में, होता ही है हर साल, तो इनको कहा जाता है नॉर्मल लॉस। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस मतलब ये नॉर्मली इनकर नहीं होता है। एक्सीडेंट हो गया कुछ, कहीं फ्लड्स आ गए, कहीं ज्यादा बारिश से खराब हो गया, पानी से खराब हो गया, आग लग गई कहीं, फायर लग गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब लॉसेस है यार, अब नॉर्मल लॉसेस। ठीक है, अभी आपको ट्रीट कैसे करना है ये लॉसेस, मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने 1000 यूनिट्स, ओके 1000 यूनिट्स आपने कंजाइन किए हुए हैं एट द कॉस्ट ऑफ 18,000 रुपीज। 1000 यूनिट्स आपने कंजाइन किए हुए हैं एट द कॉस्ट ऑफ 18,000 रुपीज। ठीक है, इसमें से 100 यूनिट जो है नॉर्मल लॉस होता ही है, आपको मालूम है 10% होता ही है, मतलब आप भेजोगे 1000 पहुंचेंगे 900, 900 मतलब हर बार 900 नहीं, मे बी कभी 920, 930, कभी 890, कभी 905, ये 10% का अप्रोक्स वेट लॉस एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है। तो आप क्या करते हो, तो आप क्या करते हो, ये जो नॉर्मल लॉस हो रहा है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया कि ये नॉर्मल लॉस है, क्वेश्चन विल क्लियर कट स्पेसिफाई वेदर इट इज नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस, तो आप क्या करोगे, सीधा यूनिट्स में से यूनिट्स हटा दोगे और ये 900 यूनिट्स को ही आप ये कॉस्ट असाइन कर दोगे 18,000 का। आप क्या सोचोगे एज अ कंजाइनर कि यार ये तो नॉर्मल लॉस ही है, यूजुअल खर्चा है, मैं क्यों भुगतू, मैं बायर से ही वसूल कर लूंगा इसको। बायर से वसूल करने का मतलब मैं ऐसा सोचूंगा कि मैंने 1000 यूनिट कंजाइन ही नहीं किए थे, मैंने 900 यूनिट ही कंजाइन किए, मैंने 900 यूनिट्स ही कंजाइन किए थे, और ये जो खर्चा हो रहा है 18,000 गुड्स का, ये 900 यूनिट का ही है, उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है 2,000 वो भी 900 यूनिट का है, उसके ऊपर जो पैकिंग फ्रेट हुआ है 3,000 वो भी 900 यूनिट का ही है, सब कुछ 900 यूनिट का है, मैं ऐसे ही सोच के चलूंगा। आर यू गेटिंग दैट? अगर वो नॉर्मल लॉस है तो मैं बायर से ही वसूलूंगा, इन सब चीजों पे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऐड करके उससे वसूल लूंगा मैं, यूजुअल है, हर साल होने वाला है, उसको भी मालूम है, बायर को भी झटका नहीं लगने वाला है, अरे बाप रे सडनली भाव कैसे बढ़ गया, कुछ ऐसा सडन चेंज नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड मैंने 1000 यूनिट्स 18,000 रुपए के भाव में सेंड कर दिया कंजाइन, कुछ दिक्कत हो गई, एक्सीडेंट हो गया और 400 यूनिट्स डिस्ट्रॉय हो गए इन ट्रांसिट, अब कितने यूनिट्स बचे आपके पास, 600 यूनिट। तो आप क्या ये 600 यूनिट का कॉस्ट चिपका सकते हो बायर को? आप ऐसे बोल सकते हो कि 18,000 का ही कॉस्ट है, 600 यूनिट का 18,000 रुपया भाव है, मतलब अभी पर यूनिट जो 18 रुपया था अभी वो पर यूनिट हो गया आपका अराउंड 30 रुपीज, बोल सकते हो ऐसा बायर को? 30 रुपीज का प्राइस है, उसके ऊपर प्रॉफिट लगा के आप बेचोगे, बायर तो यार झटका खा जाएगा, यार बात तो हुई थी 18 रुपए के भाव की, आप अभी बोल रहे हो 30 रुपए का, आपने बोला अरे यार मेरा लॉस हो गया, एक्सीडेंट एक्सीडेंट, बायर क्या बोलेगा, एक्सीडेंट हुआ तो आप बेयर करो, हम क्यों बेयर करें, और सेलर भी यही सोचेगा ना, उसको धंधा करना है,
अगर ये अबनॉर्मल लॉस को वो बायर को चिपकाने लगा तो सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा. ओके, सडनली उसका प्राइस फ्लक्चुएट हो जाएगा, 18 से 30 रुपीज हो जाएगा, और सडनली वो नेक्स्ट ईयर तो अबनॉर्मल लॉस होगा नहीं, वापस 18 रुपए पे आ जाएगा भाव अगर उसने सेंड किया तो यूनिट्स. आर यू गेटिंग दैट? दैट विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग. उसको एग्जैक्ट पता भी नहीं चलेगा प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है, किधर जा रहा है बिजनेस आपका. यही रीजन से याद है आपका गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट इन फाइनल अकाउंट, व्हाट वाज द इफेक्ट वी यूज्ड टू गिव? व्हाट वाज द इफेक्ट वी यूज्ड टू गिव? यूज्ड टू गिव इन क्रेडिट एंड पीएनएल डेबिट. इफ यू रिमेंबर, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स लॉस्ट बाय फ्लड, फायर, थेफ्ट, व्हाट वाज द इफेक्ट? ट्रेडिंग क्रेडिट एंड पीएनएल डेबिट. तो उसका मतलब क्या होता था? ट्रेडिंग क्रेडिट में से हटाओ अबनॉर्मल और पीएनएल डेबिट में डालो. क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग क्रेडिट में आपको जो नॉर्मल वे से आपने जो नॉर्मल परचेज किया है और जो नॉर्मल वैल्यू पे सेल हुआ है तो आपको नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा. तो वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है 30%, 35%, वो हर साल आपका कॉन्स्टेंट रहे, ये आप देखना चाह रहे हो. अगर उसमें आपने अबनॉर्मल को भी घुसा दिया तो आपका जीपी मार्जिन की विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, पता ही नहीं चलेगा बिजनेस ग्रो कर रहा है कि डाउनवर्ड जा रहा है. इज दिस क्लियर? तो अबनॉर्मल लॉस जो भी होता है, फॉर द मैटर, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट यू मे हैव अबनॉर्मल गेन्स ऑल्सो. आप कॉस्टिंग में पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर में आएगा, तभी आपको एक्चुअल, आप जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कभी कभी गुड्स जाते हैं तो कभी कभी अबनॉर्मल लॉस होता है, कभी कभी अबनॉर्मल गेन होता है मैन्युफैक्चरिंग में. तो वो अबनॉर्मल गेन भी आपका ही है और अबनॉर्मल लॉस भी आपका ही है, सैलरी बेयर करेगा वो, कभी बायर को बेयर करने नहीं भेजते हैं वो, हम लोग ही बेयर करते हैं क्योंकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सेम रहे, हमारा प्राइसेस सेम रहे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे वहां. व्हाट द लॉजिक बिहाइंड दिस? So whenever you have any abnormal loss incurred in the question, what do? You simply remove those goods from your consignment account. उन goods को आप निकाल ही देते हो consignment में से, हटा ही देते हो. जैसे आप trading से निकाल के PNL में डालते थे, याद है? Normal final accounts में. Same logic, यहाँ पे आपको consignment से वो goods निकालने और PNL में डाल देने. जहां वहां पे आप ट्रेडिंग में से निकाल के पीएनएल में डालते थे, यहाँ पे आपको कंजाइनमेंट से वो गुड्स निकाल के पीएनएल में डाल देने, जो लॉस हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए. तो मैं क्या करेगा इन दिस केस? मैं ऐसा सोचेगा कि 1000 यूनिट थे, 18000 रुपया भाव था, उसमें से 400 यूनिट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए, समझो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, नो क्लेम, नो इंश्योरेंस, नथिंग, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. ठीक है, तो 400 यूनिट का कितना होता है कॉस्ट, प्रपोर्शनेट कॉस्ट? 40% of this, 7,200 होता है. तो 7,200 रुपीस मैं कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दूंगा और पीएनएल को डेबिट कर दूंगा. सेम जो आपका ट्रेडिंग पीएनएल का लॉजिक था, ट्रेडिंग में से निकाला, पीएनएल में डाला, रेगुलर एक्सपेंस में से हटाया, इररेगुलर में डाला. क्यों? क्योंकि आपका मार्जिन कांस्टेंट रहे, नहीं तो फ्लक्चुएट रहेगा, आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगी मार्केट में. इज दिस पार्ट क्लियर? तो ट्रेडिंग क्रेडिट पीएनएल डेबिट की जगह यहां पे क्या हो जाएगा? कंजाइनमेंट क्रेडिट एंड पीएनएल डेबिट. कंजाइनमेंट से कॉस्ट हटाओ और पीएनएल डेबिट में, पीएनएल वाला मतलब जनरल पीएनएल, बिजनेस का पीएनएल, अपना खुद का लॉस हम लोग बेयर कर रहे हैं. तो अभी आपका ये 600 यूनिट का कॉस्ट कितना बचेगा? 10,800. 600 यूनिट का कॉस्ट कितना हो गया आपका? 10,800. अभी आप ऐसे सोचोगे, देखो नॉर्मल लॉस के वक्त आपने कैसे सोचा? नॉर्मल लॉस के वक्त आपने सोचा कि 1000 यूनिट थे ही नहीं, 900 यूनिट थे, ये सब खर्चा 900 का है, स्टोरी ओवर. वो नॉर्मल लॉस का लॉजिक था क्योंकि वो हर साल होने वाला है, किसी को झटका नहीं लगेगा, कोई बोलेगा नहीं भाव क्यों बढ़ा दिया, वो हर साल का है, होने ही वाला है इतना. बट अबनॉर्मल लॉस में ऐसा नहीं कर सकते आप. तो अबनॉर्मल लॉस में व्हाट आर यू सपोज टू डू? आप ऐसे सोचो कि आपने खाली 600 यूनिट कंजाइन किए एट द रेट ऑफ 10,800. यहां से गाड़ी शुरू करो, यहां से खर्चे अप्लाई करो. इज दिस क्लियर? जो अबनॉर्मल लॉस है उसको निकाल ही दो फ्रॉम योर कंजाइनमेंट अकाउंट, कॉस्ट ही निकाल दो उसका, जो वो नॉर्मल कोर्स में रहकर नहीं होगा. अब मुझे जरा और दिमाग लगाए बताए, दिमाग लगा के सोचो, कॉमन सेंस वाली चीज है, इंश्योरेंस कौन से वाले लॉस के लिए आप निकालोगे और कौन से वाले लॉस के लिए कंपनी इंश्योरेंस देगा आप? नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस का कोई इंश्योरेंस देने वाला नहीं है तो कंपनी उठ जाएगी बेचारी. तो नॉर्मल लॉस का कोई इंश्योरेंस नहीं होता, कभी भी नहीं होता, इसलिए आप चिपका के बाहर से वसूल लेते हो वो पैसे.
ठीक है, अबनॉर्मल लॉस आप इंश्योर करवा के रखते हो तो शायद आपको कभी क्लेम मिल सकता है। याद ही आप करते थे ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट फुल अमाउंट ऑफ गुड्स पूरा निकाल देते थे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये जो मेरा 7,200 का लॉस हुआ है, इस 7,200 में से मेरे को 5,000 रुपया क्लेम मिल जाएगा, तो मेरा एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 2,200। तो हाउ मच विल गो एक्चुअली इन माय पीएनएल डेबिट? 2,200। एंड क्लेम विल बी माय, अगर रिसीवेबल है तो एसेट, रिसीव कर लिया तो कैश एड हो जाएगा, मतलब मेरा उतना लॉस कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग दैट? My loss will be reduced by the claim amount. Same logic. Is it clear? तो अगर कुछ claim है तो आपका loss कम हो जाएगा, नहीं है तो loss उतना ही रह जाएगा, 7,200। लेकिन आपको खुद को bear करना है क्योंकि वो abnormal है, घड़ी घड़ी होने वाला नहीं है। ठीक है, तो concept बैठा दिमाग में normal और abnormal का। Normal loss मंजे recurring, हर बार होने वाला normal। Abnormal मंजे कभी कभार होगा। अभी question पढ़ के कैसे identify करने का, whether it is a normal loss, whether it is an abnormal loss. Okay, let us take a question and with the help of that we'll understand how to pass the entries and all. Isme agar closing stock value karna hai to 10,800 pe hoga ya 18,000 pe? Tum batao, abhi kya soch ke chal rahe ho tum? Ye goods hai hi nahi, abhi kitne goods hain aapke? 600 600 यूनिट्स ही सेंड किया आपने, बाकी 400 को निकाल दिया आपने। Are you getting that? आप इसको लेके करोगे आंसर सेम ही आएगा, या इसको लेके करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। समझो क्लोजिंग स्टॉक में आपके 100 यूनिट बचे, क्लोजिंग स्टॉक में 100 यूनिट बचे हैं समझो, तो आप 600 ऐसा सोचो, आप 10,800 इज फॉर 600, तो 100 का कितना? ओके okay? या फिर आप ऐसा सोचो कि 18,000 इज फॉर 1,000, तो 100 का कितना? आंसर विल बी सेम। इज इट क्लियर? ये आपने पूरा का पूरा कॉस्ट रिमूव कर लिया वहां से। अभी ये मैंने खाली आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया, यहाँ पे मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स रिमूव किया था, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस हुआ तो वो भी रिमूव कर देने का। अगर समझो आपका ओरिजिनल कॉस्ट हुआ है और उसपे ट्रांजिट एक्सपेंस भी हुआ और फिर गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट का प्रोपोर्शनेट रिमूव कर देने का और प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस का भी रिमूव कर देने का। जैसे आप स्टॉक वैल्यू करते हो ना, सेम लॉजिक नॉर्मल लॉस का, जो भी प्रोपोर्शनेट खर्चा हुआ है उस गुड्स पे, उसको हटा दो, रिमूव इट फ्रॉम कंसाइनमेंट, क्योंकि वो घड़ी घड़ी होने वाला नहीं है। ठीक है, सम करता हूं, अभी पता चल जाएगा आपको। टेक आउट सम नंबर, क्या दिया है? मिस्टर वाई कंजाइंड 800 पैकेट्स ऑफ टूथपेस्ट, ईच पैकेट कंटेनिंग 100 टूथपेस्ट, cost price of each packet was 900 rupees. 800 packet bheje hain, ek packet mein 100 toothpaste hai, cost price of each packet was 900 rupees. theek hai, Mr. Y spent 100 per packet as cartage, freight, insurance and forwarding charges. non recurring or recurring? non recurring. barabar. one packet was lost on the way. One packet was lost on the way. Manje? Lost by transit. That's a abnormal loss. Wo samajh mein aaya? Lost on the way. And why lodged a claim with the insurance company and could get 570 rupees as claim? 570 rupees as claim. Acha, ek aur cheez. Yahan pe claim dikh raha hai. Ye bhi hint hai. Lost in transit. Ye bhi hint hai. Aur ek bahut bada hint hai. अबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस के लिए क्वेश्चन में अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो वो लॉस हमेशा अबनॉर्मल लॉस ही है। क्वेश्चन में अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो वो लॉस अबनॉर्मल लॉस ही है। नॉर्मल लॉस का बड़ा बड़ा हिंट होगा आपके पास, जैसे कि मैंने ये वर्ड्स बताए आपको,
कहाँ गए, वेट लॉस, इवेपोरेशन लॉस, वॉल्यूम लॉस, या फिर नॉर्मल लॉस ही दे देगा क्लियर कट मेंशन करके, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया है मतलब अबनॉर्मल लॉस, चाहे इंश्योरेंस हो या ना हो, इंश्योरेंस है तो आंख बंद करके अबनॉर्मल लॉस, ना भी हो तो भी कुछ नहीं दिया है तो अबनॉर्मल लॉस। आपने बोला ना अगर नॉर्मल लॉस हुआ तो बाकी के गुड्स का वो प्राइस बढ़ा के बायर से ही वसूलेगा, तो मतलब तो उसको एंड में तो प्रॉफिट ही होगा ना उससे। प्रॉफिट कैसा है, उसका जो लॉस है ना वो रिकवर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उसने खर्चा तो किया होगा ना गुड्स पे, हाँ अभी 18,000 के 1,000 यूनिट, मतलब 100 यूनिट के 1,800 रुपए तो उसने स्पेंड किया है ना, तो अगर वो बेचता तो उसको 1,800 रुपए प्रॉफिट लगा के 2,000 रुपया मिलता ना, वही वो ले रहा है बायर से सिंपल, बट 900 के गुड्स देके, और 900 यूनिट्स देके वो ले रहा है, तो रिकवरी कर रहा है एक तरीके से खर्चा अपना, एक्स्ट्रा कुछ फायदा नहीं होगा उसको, उसमें जो नॉर्मल होने वाला था नॉर्मल सेल करके वही होगा, खाली वो गुड्स चले गए उसके जगह कम, उल्टा बायर ने थोड़ा ज्यादा प्राइस दिया वो गुड्स का, ऐसा सीन होगा, सेलर को तो उतना ही मिलेगा। देन लॉज द क्लेम विद इंश्योरेंस कंपनी एंड कुड गेट 570 एज क्लेम, कुड गेट मतलब क्लेम मिल गया है उसको ऑन एन एवरेज बेसिस, ऑन एन एवरेज बेसिस मतलब वो इंश्योरेंस आपका प्रोपोर्शनेट बेसिस पे क्लेम देता है, आपका कितना इंश्योर होता है 50% 60% 70% उसके हिसाब से वो क्लेम देता है आपको, वो एवरेज बेसिस है। कंसाइनी टुक द डिलीवरी ऑफ द रेस्ट ऑफ द पैकेट्स एंड स्पेंट 39,950 एज अदर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड 22,500 एज रिकरिंग एक्सपेंसेस, बहुत क्लियरली दे दिया कि कंसाइनी ने ये दो खर्चे किए हुए हैं 39,950 एज नॉन रिकरिंग एंड 22 एज रिकरिंग एक्सपेंस। Then they have given, he sold 740 packets at the rate of 12 per toothpaste. 740 packet usne bech diye. He was entitled to 2% commission on sales plus 1% Del Credre commission. Isme Del Credre commission bhi hai. But do you see bad debts anywhere in the problem? No. If in this problem, suppose there was any bad debt, will there be any entry in the books of consignor? No. Entry in the books of consignor. You are required to prepare consignment account, calculate the cost of inventories at the end, abnormal loss and prepare profit on loss on consignment. So let's begin. Consignment account, pehle start karte hain in the books of consignor, Mr. Y. So start two accounts. Question 9. In the books of Mr. Y. In the books of Y. This is consignment account. सर यहाँ स्पेसिफिकली कंसाइनमेंट ही बोला है अकाउंट, तो वही बना कंसाइनी का अकाउंट पूछा नहीं है वो, ठीक है वो नहीं बनाओगे तो भी चलेगा वरना नहीं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज अबनॉर्मल लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है इवन इफ यू डोंट मेक कंसाइनीज अकाउंट इट इज ओके इन दिस, पूछा नहीं है। डिस्कस करते जाऊंगा एंट्रीज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, खाली कंसाइनमेंट अकाउंट एंड वर्किंग नोट्स है, ठीक है। नाउ मिस्टर वाई कंसाइन 800 पैकेट्स ऑफ टूथपेस्ट ईच कंटेनिंग 100 टूथपेस्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पैकेट वाज 900, व्हाट शुड बी द एंट्री फॉर दिस? कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 720,000 फ्रॉम 720, 800 पैकेट्स इनटू 900 रुपीस, इज दैट क्लियर? 98 आर 72 and 720,000. So these are goods sent to usko bheja consignee, naam bhi nahi diya hai, sent to consignee 800 multiplied by 900, okay? To idhar wo 100 toothpaste ka koi lena dena nahi hai, khali confuse karne ke liye diya hua hai, theek hai? Then हमने स्पेंड किया, हम लोग क्या एंट्री करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने पैकेट्स? 800 पैकेट इंटू 100 रुपया, तो कितना स्पेंड किया हमने? 80,000 रुपीज स्पेंड किया। दिस इज कार्टेज फ्रेट इंश्योरेंस फॉरवर्डिंग चार्जेस,
ओके, सभी के सभी आपके नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, ये समझ में आ गया? ऑल आर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, डिजाइनर के। देन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक पैकेट वॉज लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो लॉस्ट इन ट्रांजिट होता है ना, तो आप जो ट्रीटमेंट ट्रेडिंग में करते थे वो यहीं पे करनी है। यहाँ हाँ अब नॉर्मल लॉस यहाँ से रिमूव करना है, तो कंजाइनमेंट से क्रेडिट कर देना है इसको। एंट्री क्या होगी आपकी उसके लिए? बाय अबनॉर्मल लॉस अकाउंट, बाय गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट मत लिखना, बाय अबनॉर्मल लॉस लिख देंगे हम यहाँ पे डायरेक्टली। ओके, कंजाइनमेंट का जो भी अबनॉर्मल लॉस होता है डायरेक्टली अबनॉर्मल लॉस, जो नॉर्मल बिजनेस में होता है वो बाय गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट और इधर टू गुड्स, उधर भी लिख सकते हो बाय अबनॉर्मल लॉस। कंजाइनमेंट के लिए वी यूज ऑलवेज बाय अबनॉर्मल लॉस। इसको वैल्यू कैसे करेंगे? कितने यूनिट लॉस्ट हो गए ट्रांजिट में आपके? आपने तो बोला था लॉस ड्यू टू ट्रांजिट इज नॉर्मल। ए भाई, लॉस ड्यू टू ट्रांजिट कैसा नॉर्मल? लॉस ड्यू टू ट्रांजिट, फ्लड, रेन्स, ट्रांसपोर्ट, फायर, दीज आर ऑल अबनॉर्मल। वेट लॉस, ब्रिटल आइटम्स का मैंने बोला था कि एग्जांपल में कि ब्रिटल आइटम ट्रांसपोर्टेशन में 5-10% टूट फूट जाता है, वेट, वॉल्यूम, इवेपोरेशन लॉस, दैट इज ऑल नॉर्मल लॉस। ट्रांजिट इज नॉट अ नॉर्मल लॉस। लॉस बाय ट्रांजिट, इनफैक्ट मैं आपको बोला भी ये सम्स में आपको कहीं पर भी लॉस दिख जाए और नॉर्मल के लिए कोई हिंट ना हो, मतलब वो लॉस अबनॉर्मल ही है, नॉर्मल के लिए अच्छी खासी हिंट होगी। देखो मैं आपको बताता हूँ हिंट क्या होगी, मैं आपको बताता हूँ हिंट क्या होगी। देखो क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 देखो सब लोग, क्वेश्चन 17 रीड करो। देखो क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 में आप फर्स्ट पैरा पढ़ो। देखो स्वस्तिक ऑयल मिल्स मुंबई कंजाइन 5000 केजी ऑफ कैस्टर ऑयल टू दास, कॉस्ट ऑफ द ऑयल वाज 460 पर केजी, स्वस्तिक ऑयल मिल्स पे 2 लाख फॉर पैकेजिंग फेट एंड इंश्योरेंस ड्यूरिंग ट्रांजिट, 125 केजी वे एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय फॉर विच इंश्योरेंस पेड डायरेक्टली टू द कंजाइनर्स 45,000 फॉर फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। देखा व्हाट इज दैट लॉस? Abnormal. And then if you read the second last line, Das reported a loss of 50 kg due to leakage, assuming that the Das paid the amount by the bank, blah blah blah. What is this loss? Normal. Normal. Weight loss, if I have a leakage, this is all normal. For example, अभी सम में मेरे को अभी दिख नहीं रहा है इधर। आई टेल यू व्हेन वी कम अक्रॉस द सम अगेन, देन आपस बताता हूं मैं। तो ऐसा आपको क्लियर कट हिंट दिया रहेगा कुछ ना कुछ। ओके, और अभी सबसे फॉर एग्जांपल ये है 14th क्वेश्चन। देखो 14th क्वेश्चन में देखो सेकंड लास्ट लाइन, 10% of the consignment goods of the value 18,750 were destroyed in fire at the Jaipur godown. Kiran remitted the balance in favor of Manoj. What is that loss? Abnormal. Abnormal loss. Then if I tell you, आएगा आगे भी आएगा, एक दो सम में और है। नॉर्मल लॉस कम आता है एक्चुअली, अब नॉर्मल लॉस ही ज्यादा आता है, वही मैं आपको बोला मेजॉरिटी ऑफ द सम्स विल हैव अबनॉर्मल लॉस ओनली, विल हैव स्टिल 2-3 सम्स वी हैव विद अबनॉर्मल लॉस आल्सो। ठीक है, तो ये वाला लॉस इज अबनॉर्मल लॉस। तो हाउ विल यू वैल्यू दिस लॉस नाउ? हाउ विल यू वैल्यू दिस? आपका कितना यूनिट्स गया है लॉस में ये बताओ, हाउ मेनी यूनिट्स हैव लॉस्ट इन ट्रांजिट? वन यूनिट।
तो अमाउंट कैसे लिखोगे आप इसका? व्हाट बी द अमाउंट ऑफ अबनॉर्मल लॉस? अब ऐसे सोचना कि ये 7,20,000 जो आपने स्पेंड किया, ये 800 यूनिट पे है, तो एक यूनिट का कितना? वैसे ये 80,000 भी आपने स्पेंड किया, ये 800 यूनिट पे है, तो एक यूनिट का कितना? जैसे आप स्टॉक वैल्यू करते थे ना नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को लेके, वैसे ही अबनॉर्मल लॉस को करना है। स्टॉक भी आप एक तरीके से कंसाइनमेंट से हटा रहे थे, याद है आपको? कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर रहे थे। क्यों क्रेडिट कर रहे थे? क्योंकि दैट एक्सपेंस डजंट बिलोंग टू दिस ईयर, इट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। वैसे ही अबनॉर्मल लॉस भी एक ऐसा एक्सपेंस है, इट डजंट बिलोंग टू दिस कंसाइनमेंट, इट बिलोंग्स टू योर जनरल पीएनएल, पीएनएल को बिलोंग करता है नॉर्मल बिजनेस को। तो लॉजिक सेम है आपका वैल्यूएशन का, अबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक सेम लॉजिक। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को लेके हटा दो, उस गुड्स का वैल्यू को कॉस्ट को हटा दो, रिमूव इट फ्रॉम द कंसाइनमेंट। फर्क सिर्फ इतना है कि क्योंकि ये गुड्स आपके ट्रांजिट में लॉस हो रहे हैं, क्योंकि ये गुड्स आपके ट्रांजिट में लॉस हो रहे हैं, तो इसमें खाली ट्रांजिट तक का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लेने का, कंसाइनिंग का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस नहीं लेने का इसमें, क्योंकि वो अभी तक हुआ ही नहीं है। आर यू गेटिंग दैट? ट्रांजिट तक का ही खर्चा लेने का और निकाल देने का गुड्स का, क्योंकि वो वैल्यू ही इंक्लूडेड है गुड्स के अंदर। हम लोग उतना खर्चा रिमूव कर रहे हैं यहाँ से। हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हमने 800 यूनिट कंजाइन नहीं किए थे, हमने 799 यूनिट्स कंजाइन किए थे। हमने 800 यूनिट्स कंजाइन नहीं किए थे, हमने 799 यूनिट्स कंजाइन किए थे एट वॉट एवर द प्राइस, नॉट एट 8 लाख, एट उसका प्राइस निकाल के, जो भी 1 यूनिट का प्राइस निकाल के। तो आई एम शोइंग यू द वर्किंग नोट ओवर हियर, 1 सेकेंड। वर्किंग नोट फॉर अबनॉर्मल लॉस, वर्किंग नोट फॉर अबनॉर्मल लॉस ओरिजिनल कॉस्ट सेम वे जैसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक करते थे, प्रपोर्शनेट। ओरिजिनल कॉस्ट का प्रपोर्शनेट लेना आप लोग, ओरिजिनल कॉस्ट का प्रपोर्शनेट लेना। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना था आपका? 7,20,000 था। ये कितने यूनिट्स का था? 800 का। तो एक का 900 आ रहा है, प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंजाइनर, ये भी ले लेने का। कितना था नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंजाइनर? 80,000 था ऑन 800 यूनिट्स। तो एक यूनिट का कितना? 100 रुपया हुआ। ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली भी दिया हुआ, अगर आप देखो तो 900 और 100, 1,000 रुपया डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो। विल यू टेक नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंजाइनी? नो, क्योंकि वो इनकर ही नहीं हुआ, अपने को यहां तक का कॉस्ट रिमूव करना है, निकाल दिया हमने। व्हाट इफ आई टेल यू के ये जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, ये कंजाइनर के गोडाउन के बाहर ही हो गए ट्रांसपोर्ट से पहले, तो कितना कॉस्ट होगा लॉस का? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऐड नहीं होगा उसमें, फिर नॉन रिकरिंग ऐड नहीं होगा उसमें, फिर 900 रुपीस होगा। इंश्योरेंस भी तो सब्ट्रैक्ट होगा ना? इंश्योरेंस करते हैं बाद में, वेट, पहले अबनॉर्मल लॉस ढूंढो। ये 1,000 रुपया समझा आपको? अभी समझो ये अबनॉर्मल लॉस कंजाइनी के गोडाउन में हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। कंजाइनी के गोडाउन में गुड्स पहुंचने के बाद डिस्ट्रॉय हो गया फायर वायर से, तो अब आप अबनॉर्मल लॉस को कैसे वैल्यू करोगे? कंजाइनी का नॉन रिकरिंग भी ऐड होगा, कंजाइनी का नॉन रिकरिंग भी ऐड हो जाएगा। फिर आप जैसे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करते थे वैसे ही कर देने का, जैसे आप क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करते थे वैसे ही आपको वैल्यू करना है, ठीक है? तो उसमें ओरिजिनल कॉस्ट भी आएगा, नॉन रिकरिंग ऑफ कंजाइनर भी आएगा, नॉन रिकरिंग ऑफ कंजाइनी भी आ जाएगा। तो ये अबनॉर्मल लॉस कहां हो रहा है, दैट पोजीशन इज इंपॉर्टेंट। अगर कंजाइनर के गोडाउन में हो गया तो सिर्फ द कॉस्ट ऑफ गुड्स, अगर ट्रांजिट में हो रहा है तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स एज वेल एज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंजाइनर, और कंजाइनी के गोडाउन में हो रहा है तो उसमें तो कंजाइनी का भी नॉन रिकरिंग चढ़ चुका है एक्सपेंस, तो तीनों एक्सपेंस को एड करके उसकी वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू आप निकाल दोगे कंजाइनमेंट अकाउंट। इज दिस क्लियर? So that's how we value your loss. Abnormal loss ka valuation is exactly similar to the value of stock. Exactly similar to the value of stock. Okay? Farak sirf itna hai, stock ko hamesha consignee ke godown mein milta hai end mein.
ये अबनॉर्मल लॉस कहीं पर भी हो सकता है, कंजाइनर के गोडाउन में, इन ट्रांजिट या कंजाइनी के गोडाउन में, ठीक है? तो ये याद रखना खाली, लॉजिकली है, कुछ ऐसा है नहीं खास। अभी ₹1000 अबनॉर्मल लॉस में क्या करूंगा, यहाँ से रिमूव कर दूंगा, तो बाय अबनॉर्मल लॉस ₹1000 इधर से हटा दो, ठीक है? अब मैं एक छोटा सा अकाउंट बना रहा हूँ, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट, दिस यू कैन शो इट एज अ वर्किंग नोट। इसमें आप कैसे दिखाओगे, ये अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में करस्पॉन्डिंग एंट्री मार दोगे, दिस इज योर अबनॉर्मल लॉस, ये जो आप गुड्स लॉस बाय अकाउंट था ना, ये वही है अबनॉर्मल लॉस। इसमें क्या आएगा, टू कंजाइनमेंट करस्पॉन्डिंग एंट्री, दैट इज 1000। अब अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम ना होता है ना, तो ये पूरा पैसा किधर चला जाता, कुछ इंश्योरेंस ना होता तो ये पूरा का पूरा चला जाता बाय पीएनएल, बराबर। लेकिन क्योंकि क्लेम है ना, तो कितने का क्लेम है, 570 का क्लेम मिला है आपको, मिल चुका है, आई थिंक मिलने वाले, रिसीव्ड रिकवर्ड, लॉज्ड क्लेम एंड कुड गेट 570, तो 570 रुपीज उसको क्लेम मिल चुका है, गॉट इट? तो यहां पर आपका मर्जी, यू कैन राइट बाय बैंक, डायरेक्टली बाय बैंक लिख के कर सकते हो, या फिर एक और अकाउंट बना सकते हो बाय इंश्योरेंस क्लेम, उसको इंश्योरेंस क्लेम अलग से ओपन करो। यहाँ पे अगर मैं सपोज क्लेम लिखता हूं तो ऐसे आएगा बाय इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम में टू अबनॉर्मल लॉस 570 और फिर बाय बैंक, या फिर डायरेक्टली इधर बाय बैंक करके आप लिख सकते हो। मैं डायरेक्टली बाय बैंक ही लिख रहा हूँ क्योंकि क्लेम रिकवर्ड है, तो बाय बैंक अकाउंट 570। आई एम नॉट मेकिंग मतलब हाँ सॉरी क्वालिफाई कुड गेट, कुड गेट ना मतलब मिल गया उसको, ही वाज एबल टू गेट, लॉज्ड अ क्लेम, क्लेम्ड होता तो मिलना बाकी है क्लेम, कुड गेट मतलब मिल गया उसको, ही गॉट द क्लेम, गॉट इट सर? तो सीधा ये 1000 माइनस 570 इधर क्यों नहीं दिखाता, कर सकते हो, इधर भी दिखा सकते हो डायरेक्टली कंसाइनमेंट अकाउंट में। हाँ, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड यू कैन शो डायरेक्टली बाय बैंक 570 एंड बाय अबनॉर्मल लॉस या बाय पीएनएल 430, तो भी चले, या फिर बाय क्लेम भी दिखा सकते हो एंड बाय पीएनएल भी दिखा सकते हो, डायरेक्टली दिखा सकते हो, इधर यू कैन शो लाइक दिस बाय इंश्योरेंस क्लेम 570 एंड बाय पीएनएल 430, डायरेक्टली ऑल्सो यू कैन शो इन कंजाइन, ये भी चलेगा, ठीक है? अकाउंट बना के दिखाओ, डायरेक्टली देखाओ, एनी वे इट इज फाइन, ओके? तो मैं ये भी आपको वेरिएशन दिखाऊंगा आगे वाले सम में, दूसरे मेथड से भी हम लोग करेंगे, एंड यहाँ पे कर देता हूँ मैं बाय पीएनएल, ये आपका लॉस 430, ये चला जाएगा पीएनएल अकाउंट में, ये हो गया आपका अबनॉर्मल लॉस, गॉट इट? देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ये अबनॉर्मल लॉस के बाद वाई को कितना यूनिट्स मिला होगा जरा सोच के बताना, Y को कितने यूनिट्स की डिलीवरी एक्चुअली मिली, कंजाइनी को 799 यूनिट्स की डिलीवरी मिली है, और उस पे उसने स्पेंड किया है 39950 एज अदर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, एंट्री क्या बनेगी अपने बुक में, व्हाट एंट्री विल पास, टू कंजाइनी, नाम नहीं दिया है तो टू कंजाइनी अकाउंट 39950, दिस इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, कंजाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ठीक है? वैसे ही उसने और स्पेंड किया 22500, उसका एंट्री क्या होगा, टू कंजाइनीज अकाउंट 22500, दीज आर रिकरिंग एक्सपेंस, एंट्री तो सेम ही होगा। अच्छा, इन दोनों की करस्पॉन्डिंग एंट्री कंजाइनी के क्रेडिट में चली जाएगी आपकी। फिर ही सोल्ड 740 पैकेट्स एट 12 रुपीज पर टूथपेस्ट, इट्स नॉट पर पैकेट, इट्स पर टूथपेस्ट, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एक पैकेट में कितने टूथपेस्ट थे आपके, 100 टूथपेस्ट थे, तो एक पैकेट उसने आई थिंक ₹1200 में बेचा है, ऐसे 740 पैकेट बेचे हैं, तो एंट्री क्या बनेगा आपका, कंजाइनी टू कंजाइनमेंट, तो इधर आ जाएगा बाय कंजाइनी अकाउंट 740 मल्टीप्लाइड बाय 1200, हाउ मच दैट कम्स, 8,88,000 रुपीज, ये हो गया आपका कंजाइनमेंट सेल्स, और आपका कमीशन उसको देना है 2% कमीशन ऑन सेल्स प्लस 1% डेल ट्रेडर कमीशन, टोटल कितना देना है 3%,
एंट्री क्या होगा कमीशन का, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी अकाउंट कमीशन, आप अलग अलग भी दिखा सकते हो साथ में भी दिखा सकते हो, एट द रेट ऑफ 3% ऑन 8,88,000 रहेगा सबको टोटल सेल्स में, एनी डैम कमीशन, वेदर इट इज नॉर्मल कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन, एनी कमीशन यू हैव टू टेक इट ऑन टोटल सेल्स ऑलवेज, नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द सम. टोटल सेल्स कितना होता है 8,88,000, 8,88,000 का 3% करो कैलकुलेट कितना आता है 26,640 यहां तक के तो एंट्री सब नॉर्मल थे. अबनॉर्मल लॉस ही मेन डिफरेंट था सब में अभी तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट था. अबनॉर्मल लॉस का फंडा समझ में आया क्या किया मैंने, टोटल ओरिजिनल कॉस्ट जैसे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर रहा था सेम वे, खाली नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कंजाइनी का नहीं लिया मैंने, वो कॉस्ट निकाल दिया यहाँ से. क्यों निकाल दिया, क्योंकि ये हमें बेयर करना पड़ेगा, कंजाइनर को ही बेयर करना पड़ेगा, और निकाल दो कंजाइनर में से अपने पीएनएल में डाल दो. ओके, नॉर्मल लॉस होता तो वो बेयर करता बायर, तो यहीं पे रहने देते. उसके बाद सेल हो गया, एक्सपेंस हो गया, अभी स्टॉक बाकी है अपना, तो बाय कंजाइनमेंट स्टॉक, buy consignment stock, how will you value the consignment stock, this is very important, another note I am making, working note to consignment stock. ठीक है, क्या क्या लेते हैं हम लोग स्टॉक में, we take पहले तो original cost of goods proportionate. मुझे एक बात बताओ total original cost कितना था, 20,000 ऊपर दिख रहा है आपको, ये कितने यूनिट्स पे हुआ था आपका, 800. How many units? 800 पे हुआ था, तो अभी कितने यूनिट्स बचे हुए आपके क्लोजिंग स्टॉक में, यूनिट्स कितने बचे हुए, 799 minus 740, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख के दिखाता हूँ, यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आर नथिंग बट 800 minus 1 minus 740 विच इज 59, ये समझ आया आपको, 59 यूनिट्स आपके बचे हुए हैं क्लोजिंग स्टॉक में, 800 में से एक डिस्ट्रॉय हो गया, 740 बिक गया, बचा 59, तो 59 यूनिट्स का कितना बताओ, 53,100 बस यही हो गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, नहीं सर वो उसका रेकरिंग नॉन रेकरिंग, प्लस रेकरिंग नहीं नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंजाइनर वन टाइम प्रोपोर्शनेट, कितना खर्चा किया था उसने 80,000, कितने यूनिट्स पे किया था, 800 यूनिट्स पे किया था, हमको तो चाहिए 59 यूनिट्स का, कितना होता है 5,900. देखो मैंने यहाँ पे ना ओरिजिनल वैल्यू से किया है, आप अगर अबनॉर्मल लॉस को निकाल के भी करोगे ना तो भी आपको सेम आंसर आएगा. देखो मैं आपको फटाफट बता देता हूं, आप अगर अबनॉर्मल लॉस को निकाल के भी करो, मतलब कैसे, ये देखो 720 plus 80 टोटल कितना खर्चा था 8,00,000, 8,00,000 में से 1,000 रुपया निकाल दो अबनॉर्मल लॉस का, तो कितना बचा आपका, 8,00,000 में से 1,000 अबनॉर्मल लॉस का निकाल दो तो कितना बचा, 799,000 बचा ना, ये 799,000 कितना यूनिट्स पे हुआ है, 799 यूनिट्स पे हुआ है, तो 59 यूनिट्स का कितना, यू शुड गेट द सेम आंसर जो आपको इन दोनों का टोटल करके आएगा, दैट विल बी 59,000, ये 59,000 मिलेगा आपको यहाँ पे, ये शॉर्टकट ऐसे भी कर सकते हो, कंसेप्ट समझा, अबनॉर्मल लॉस का यूनिट्स, अबनॉर्मल लॉस के अमाउंट को मैंने हटा के किया, डायरेक्टली किया, 7,99,000 वॉज ऑफ हाउ मेनी यूनिट, 799 यूनिट्स, ओके, वन यूनिट का कॉस्ट रिमूव कर दिया मैंने, तो 59 यूनिट्स का कितना, 59,000. अच्छा इधर खत्म हो गया क्लोजिंग स्टॉक, और भी कुछ करना है इस पे, कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, अभी इधर गम्मत है थोड़ा सा, इधर आपका थोड़ा कॉमन सेंस यूज अप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्या करने का देखो, दिमाग चलाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट डिवाइड बाय 799, आए शाबाश, 39,950 जो है ये कितने यूनिट्स पे इनकर हुआ है, इज इट इनकर्ड ऑन 800 यूनिट्स और 799 यूनिट्स,
799. तो यहाँ पे ये जो है 799 का है, तो 59 का कितना? 800 मत ले लेना, समझ में आई बात? 800 यूनिट होते तो खर्चा भी बढ़ जाता, ये खर्चा 799 यूनिट्स का ही है जो उसको हाथ में मिले थे, तो उसी का प्रोपोर्शनेट वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक में लेना पड़ेगा आपको, एग्जैक्ट प्रीपेड निकालना पड़ेगा. एग्जैक्ट प्रीपेड कितना होता है इसका? 59 यूनिट, 2950, और सबको ऐड करो तो आपको मिल गया आपका क्लोजिंग स्टॉक 61950. ये लास्ट पार्ट यहाँ पे अलग हो गया था, ये आपके दिमाग में बैठा कि नहीं? अभी तक के तीन सम में हमने पूरा वैल्यू ले लिया था, क्यों? क्योंकि कोई अबनॉर्मल लॉस था ही नहीं. लेकिन जब अबनॉर्मल लॉस हो जाता है तो कंजाइनी को कम गुड्स मिलेगा, तो उसका खर्चा भी कम गुड्स पे होगा. समझ में आ रही है बात? तो अलर्टनेस रखनी है, एंट्री सिंपल है, कैलकुलेशन की थोड़ी अलर्टनेस रखनी पड़ेगी आपको. सो मिल गया आपने को क्लोजिंग स्टॉक, तो पहुंच जाओ ऊपर और डाल दो कंजाइनमेंट स्टॉक 61950 एंड प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ रहा है पीएनएल? 61860 बराबर है, चेक कर लो कंजाइनमेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन कंजाइनमेंट. इसमें हम लोग जर्नल नहीं करते हैं, सेम ही है सब जर्नल एंट्रीज, एक अबनॉर्मल लॉस की अलग है. क्या होगा अबनॉर्मल लॉस का एंट्री बता सकते हो देख के? सिंपल है, would be the entry for abnormal loss. Abnormal loss to consignment. Abnormal loss to consignment, being abnormal was recorded. Okay, being abnormal was recorded. You can also write abnormal loss removed from consignment and transferred to PNL. ऐसा भी लिख सकते हो. Abnormal loss recorded. और यहाँ पे ये entry क्या होगी? ये club कर सकते हो आप. Abnormal loss account में क्या लिखा है? Bank PNL to abnormal loss. Bank PNL to abnormal loss being claim received and balance abnormal loss transferred to PNL. Claim received and balance abnormal loss transferred to PNL. Is that clear? Understood? Now I want you all to try sum number 23 on your own. Try sum number 23 on your own. Chalo. Main bhi solve kar raha hu, aap log bhi solve karo. Prepare consignment account and Bala account of Alok showing the amount due from Bala on 31st. Sum number 23. तो इसमें वो बैंक वाला एंट्री नहीं आएगा ना, लास्ट वाला? हाँ, इसमें ड्यू बताना है ना, तो बैलेंस लिख के अजम्पशन लिख देने का, अज्यूम दैट द बैलेंस इज रिसीवेबल फ्रॉम कंजाइनी. हर एक सम में अजम्पशन लिख देना, इस सम में तो जरूरत नहीं है, सेकंड सम जो हमने किया एक्स वाई वाला सम, उसमें भी एक अजम्पशन आएगा. इट इज अज्यूम दैट द बैलेंस अमाउंट इज रिसीव फ्रॉम कंजाइनी, जरा लिख लो एक लाइन ऊपर वाले सम में, एक्स वाई वाले सम में जरा लिख लेना. इट इज अज्यूम्ड दैट balance amount is received from consignment. ठीक है, कोई भी चीज आप assume कर सकते हो. यहाँ पे तो due दिया है तो due ही रखना है balance. कुछ if the question is silent either way you can assume, just state the assumption, no problem. चलो try 23rd sum on your own, दिमाग लगाओ, similar type है. Use your brains. ऐसा है, नॉर्मल सेल्स है ना तो राइट सेल्स अकाउंट, एक्सपोर्ट कर रहा है तो एक्सपोर्ट सेल्स, परचेज है तो परचेज, इंपोर्ट कर रहा है तो इंपोर्ट परचेज, एक्सपोर्ट सेल्स इंपोर्ट परचेज, ये लिखना पड़ेगा थोड़ा सेपरेट अकाउंट, सेपरेट सेल्स दिखाते हैं. एक्सचेंज रेट से होता है ना, एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई करके फिर वो अमाउंट आता है फॉरेन एक्सचेंज का, तो एक्सपोर्ट सेल्स एंड इम्पोर्ट परचेज अलग ही दिखाना उसको.
इसमें भी लॉस हुआ है ना, हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है 50 per kg, 6000 kg, 800 were damaged in transit. 800 यूनिट डैमेज इन ट्रांजिट. अच्छा मुझे पहले बताओ इसमें से एक्सपेंसेस कौन सा रिकरिंग है, कौन सा नॉन रिकरिंग है? अलोक इनकर्ड फ्रेट एंड इंश्योरेंस 1500 रिगार्डिंग व्हिच आल्सो इनकर्ड डॉक चार्जेस सन्ड्री एक्सपेंस 500 एंड बाला इनकर्ड एक्सपेंस ऑफ गोडाउन रेंट 500 मिसलेनियस एक्सपेंस 800. व्हाट आर फर्स्ट टू एक्सपेंसेस 1500 500 व्हाट आर दोस नॉन रिकरिंग 1500 वर बोथ आर नॉन रिकरिंग 1500 एंड 500 बोथ आर नॉन रिकरिंग डॉक चार्जेस डॉक ड्यूज one time expense to bring but insurance and sundry expenses are non are recurring na insurance and sundry expense hai na ye generally consignee ke sath chipka hua rahega wo sundry generally are recurring but dock charges are always non recurring charges kisi ka chipak gaya na dock transit transport clearance freight forwarding ye sab non recurring wo baki sab non recurring uske sath hi diya hai na agar aisa diya hota dock charges 500 and sundry expense 100 to sundry expense nikal lete khali 500 lete doctor charges ka to ye transit insurance hua na ye kaun sa ha draw jo usne incur kiya hai wo upar wala to transit insurance hi hai yes freight and insurance jo consignor incur karega wo hamesha transit insurance hoga hamesha non recurring consignee jo insurance karega wo uska recurring wala hoga wo kabhi transit insurance nahi karega kyunki area ka lamba jo transport hota hai wo consignor already bear kar chuka hai कंजाइनी को तो लोकल ट्रांसपोर्ट करना है उसमें क्या इंश्योरेंस उसमें इंश्योरेंस की जरूरत नहीं सर वो बाला का सब एक्सपेंसेस रिकरिंग है ना बाला का पूरा रिकरिंग है यस बारा का दोनों रिकरिंग है नॉर्मल लॉस में वो नहीं आएगा ना नहीं अब नॉर्मल लॉस में खाली ट्रांजिट तक का एक्सपेंस आएगा हमेशा कोई भी कमीशन के बारे में ग्रॉस बोले तो मतलब टोटल ही है ऐसे भी कुछ नहीं दिया तो सब टोटल सेल्स पे कमीशन सर डॉक और सेंड्री को नॉर्मल में नॉन रिकरिंग नॉन रिकरिंग में नॉन रिकरिंग डॉक ड्यूज आर ऑलवेज नॉन रिकरिंग डॉक चार्जेस मतलब आपको डॉक से क्लियर करवाने के लिए पे करना ही पड़ेगा वरना कुछ छूटेगा ही नहीं आपका डॉक हमेशा नॉन रिकरिंग उसके साथ जो चिपका है वो सब ऑटोमेटिकली नॉन रिकरिंग हो
खाली सन्ड्री एक्सपेंस होता ना तो इट वुड हैव बीन रिकरिंग, बट वो होता नहीं है जनरली. बायर जो कंजाइनर का है ना, मैं आपको बोला ना 99% सब एक्सपेंस आपका नॉन रिकरिंग ही दिखेगा. रिकरिंग आने abnormal loss 40267 आ रहा है. Wait a minute, I'll just check. हाँ बाय. अभी इसमें कुछ इंश्योरेंस नहीं मिला है उसको, तो पूरा का पूरा बाय अबनॉर्मल लॉस यू कैन राइट हियर. ओके, और बाय पीएनएल भी लिख सकते हो डायरेक्टली, अबनॉर्मल लॉस ट्रांसफर. इसका नोट मैं बता देता हूँ इधर, अबनॉर्मल लॉस. मोस्टली आपका अबनॉर्मल लॉस भी ट्रांजिट में ही होगा, तो उसमें दो ही खर्चे लग जाएंगे आपके, ओरिजिनल कॉस्ट लग जाएगा, प्रोपोर्शनेट ओरिजिनल कॉस्ट लग जाएगा जो हुआ है आपका 3 लाख ऑन 50 kgs हुआ है ना, इसमें से कितना केजी गया, अरे 6000 kgs में से kg गया. ओ 40,000 डायरेक्टली आप वो 50 per kg इंटू 800 भी कर दो तो भी चलेगा. कैलकुलेशन का वर्किंग नोट ही है, कोई सेट पैटर्न नहीं है इसका, देयर नो सेट पैटर्न फॉर दिस. प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंजाइनर, दे आर 2,000 rupees on 6,000 kgs, मेरे को चाहिए 800 होगा, तो how much that comes to, sorry, 1/3 of 800, how much is this, proportionate non-recurring expense, 267, yes, so आपका मिला 40,267, मिला ये 40,267 abnormal loss. और फिर इसका एक्सपेंस, इसका सेल्स कर लो रिकॉर्ड, $4,070 per kg, that is 2,80,000. कमीशन का कमीशन मत लिख देना, टू बाला उसको देना बाकी है. कमीशन at the rate of 5%, 2,80,000. That's 14,000, I think. And one incurred expenses for the stock on consignment. ओरिजिनल कॉस्ट, पहले तो यूनिट्स ढूंढ लेना, यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग. कैसे मिलेगा यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? टोटल 6000 किलो गया, उसमें से 800 किलो डिस्ट्रॉयड और 4000 किलो बिका, तो कितना बचा, 1200 केजी बचा आई थिंक, है ना, 1200 किलो आपका यूनिट्स हैं. तो ओरिजिनल कॉस्ट प्रोपोर्शनेट आपका होगा 3,00,000 डिवाइड बाय 6,000 इंटू 1,200 विच इज 60,000 प्लस कंजाइनर्स नॉन रिकरिंग एक्सपेंस प्रोपोर्शनेट, दैट इज 2,000 ऑन 6,000 1200, that comes to 400 rupees I think, and plus
बेंजाइनी का तो है ही नहीं कुछ नॉन रिकरिंग, तो यही आपका आंसर आ गया 60,400. कंजाइनी का कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है ही नहीं, जैसे मुझे आया आपको दोनों उसका रिकरिंग था, गोडाउन रेंट और क्या था अपना मिसलेनियस एंड रेंट एंड इंश्योरेंस, वो दोनों उसके रिकरिंग वाले ही थे तो नहीं लेने हैं. अगर सपोज लेना होता जरा एक मिनट का पॉज लेना सब लोग. अगर सपोज अपने को कंजाइनी का भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होता और लेना होता, तो वो उसने किचन